सो गाइस देख सकते हो मॉन्स्टर टैंक का हमारा फाइनली पूरा टैंक के चारों कांच तो लग गए है एंड इसकी ब्रेसिंग बाकी है, तो अभी हमने इसको सूखने रख दिया है। एंड देख सकते हो कितना बड़ा लग रहा है ये मॉन्स्टर टैंक। एंड जो हमारे घर वाले ही है जो बना रहे, वो तो बोल रहे थे इसमें एलिगेटर ही छोड़ दो लाके, बट देन ये एरवाना के लिए। सो देख ही सकते हो मेरा हाथ कंपेयर करता हूँ, ये देखो टैंक का साइज देखो, पूरा बहुत बड़ा टैंक है। इसको टच बिल्कुल नहीं करना है वरना सिलिकॉन ऐसे थोड़ा छूटेगा तो लीकेज वीकेज का प्रॉब्लम होगा। देख ही सकते हो कितना लार्ज एक्वेरियम है। तो गाइस देख सकते हो आज फाइनली इसकी ब्रेसिंग भी लग गई है, देख सकते हो इधर से इधर एंड इधर से इधर, एंड अंदर भी ब्रेसिंग लग गई है ये साइड पर दोनों की। एंड अब इसको हम सूखने देंगे 3, 4 और 5 दिन के लिए हम इसको सूखने के लिए देंगे। बिकॉज गाइस कभी भी आप 24 आवर्स या 2 दिन के फंडे में मत जाओ, ये सिलिकॉन है ना, हम कैसा ये कर ये स्टिक करने के लिए इसकी ब्रेसिंग थोड़ा ऐसे कट कर रहे थे, तो हमने पीस निकाल के देखा तो एकदम अंदर से ना गीला गीला था। सो कभी भी 3, 4 दिन तो भी सूखने दीजिए अपना टैंक एंड देन उसके बाद वाटर फिल करिए। 2 दिन बाद भी कर सकते हो बट 3, 4 दिन बाद कैसे वो एकदम पक्का स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि अभी आपको कुछ लग जाता है तो हील होने में 3, 4 दिन ड्राई होने में लग ही जाते हैं, सब में बहुत खून आ रहा है। सो वैसे ही टैंक को भी ऐसे ही करना तो बेटर रहेगा, वो आपके लिए, वो आप पर है। देख सकते हो मैं उसको थोड़े दिन सूखने दूंगा। एंड देन ये टैंक इधर एक 3 फीट का टेबल बनाया हमने लोखंड का, एंड उसके ऊपर आएगा टैंक। एंड फिलहाल तो इतना बजट नहीं है, सो हम DIY फिल्टर बनाएंगे फॉर नाउ, देन उसके बाद हम खरीदेंगे सैमसंग का कैनिस्टर फिल्टर जो कि इसमें ही लगेगा, 304A या B खरीदेंगे हम उसके बाद। एंड देखते क्या क्या होने वाला है इसमें। आने वाली है मेरी एरवाना, पिकॉक बास, ऑस्कर्स, ग्रीन टेरर एंड एक डॉलर भी है उनके साथ। देख सकते हो ये 5 फीट बाय 2 फीट की हाइट है, 5 बाय 2 बाय 2 का टैंक है ये, देख सकते हो साइड से भी कितना लार्ज एंड मैसिव लग रहा है, मेरा हाथ कंपेयर बहुत बड़ा टैंक है गाइस। वीडियो में उतना दिख नहीं रहा है बट इट्स अ वेरी लार्ज टैंक गाइस, देख ही सकते हो। एंड मैं इस पर अपडेट्स इतनी सारी लाऊंगा कि आप पागल हो जाओगे, एंड इस पर हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे कि इसमें पानी भरने के टाइम हम कैसा करेंगे, देन इसमें फिशेज ऐड करने का टाइम हम कैसा करेंगे, एंड देन इसका जब न्यू सेटअप करेंगे हम थोड़े टाइम बाद, जब हमारा बजट अच्छा हो जाएगा, कैनिस्टर लगाएंगे, सैंड ऐड करेंगे, ड्रिफ्टवुड्स ऐड करेंगे, रॉक्स, वो सब फ्यूचर में मैंने सोचा है वो सब ऐड करेंगे इसमें। खाली अभी बैकग्राउंड आना बाकी है जो कि इधर ब्लैक कलर का ऐसा आएगा, नीचे ब्लैक और इधर भी ब्लैक, ब्लैक ही मैं सोच रहा हूँ क्योंकि डार्क ब्लू भी इतना खास नहीं है। ब्लैक में जो फिश दिखती है ना वो बहुत मस्त होता है। सो चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। सो जब तक के लिए अपडेट्स के लिए बाय। Thank you.
तो गाइज आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, आई डिसाइडेड कि मैं सम्प फिल्टर बनाऊंगा, नॉट कैनिस्टर। एंड यहाँ पर हमने होल्स ड्रिल कर दिए खड़ाई टैंक को रखकर, बहुत रिस्की था बट देन वो प्रोफेशनल है तो उन्हें होल्स ड्रिल कर दिए। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल मीडिया होगा, यहाँ पे पूरा पानी आएगा, एंड देन यहाँ पे पूरा बायो मीडिया होगा, देन इधर पानी आएगा, यहाँ पे भी स्पंजेस आएंगे, एंड यहाँ पर केमिकल मीडिया होगा, इधर से इधर आएगा, एंड देन यहाँ पे केमिकल मीडिया होगा, एंड देन इसके बाद यहाँ पर रिटर्न पंप होगा। Thank you.